गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 19 मई 2020 है और आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी पर। आप सभी हमारे साथ करंट अफेयर इसी तरह तैयार करते चलिए, आने वाले एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में इसराइल की नई गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। फ्रेंड्स, ये पहले भी यहाँ के प्रधानमंत्री थे और ये लगातार चौथी बार और टोटल पांचवी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये आगामी 3 वर्षों के लिए बनी है सरकार। इसमें पहले 18 महीने बेंजामिन नेतन्याहू और अगले 18 महीने के लिए बेनी गेंट्स बनी रहेंगी। इन इसराइल के बारे में हम जान लेते हैं कि इसराइल एशिया महाद्वीप का देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप के साथ सीमा साझा करता है। इसराइल की करेंसी है इसराइल नई शेकेल और यहाँ की राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम को दोस्तों पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र भूमि के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के लिए यह पवित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? ये कंपनी है जनरल अटलांटिक। इसके बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि यह न्यूयॉर्क की कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है और इस सौदे की टोटल लागत कितनी है? तो यह 6,598 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? फ्रेंड्स, इसको बढ़ा के कर दिया गया है ऑप्शन ए 5%। यह राज्यों को विशेष सहायता आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी को किस चीनी साहित्यकार ने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फोंग फोंग। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि वुहान में लॉकडाउन के दौरान कितना खतरनाक मंजर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? इसका नाम है अम्फान। यह बंगाल की खाड़ी में उठा है दोस्तों और इसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। यह भारत के पूर्वी तटीय राज्यों को प्रभावित करेगा जिसमें से मुख्य रूप से उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है दोस्तों? तो इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। थाईलैंड कहाँ है? तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। और थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है थाई भात। और थाईलैंड की राजधानी दोस्तों, आप सभी युवाओं का बचपन का सपना है जहाँ जाने का, तो वही है बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन हैं हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 3000 COVID-19 टेस्ट किट देने का प्रदान? तो हाल ही में भारत किस देश को 30,000 COVID-19 किट प्रदान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। बांग्लादेश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है 18 मई को। इसका उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातात्विक धरोहरों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नाकर मतकारी, जिनका हाल ही में COVID-19 के संक्रमण के कारण निधन हो गया है, वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? फ्रेंड्स, ये मराठी के थे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। वे लेखक के अलावा प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में बिस्लेरी ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जोमेटो के साथ। जोमेटो के बारे में हम जान लेते हैं। जोमेटो के संस्थापक और सीईओ कौन है? दीपेंद्र गोयल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। बिस्लेरी के सीईओ कौन है? बिस्लेरी के सीईओ है रमेश चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने घोषणा की है कि COVID-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? तो यह घोषणा की है फ्रेंड्स ADB, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसात सुगु आसाकावा। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। साथ ही हम जान लेते हैं NDB के बारे में। NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में, और इसके प्रेसिडेंट है KV कामत। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC में, और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने। इसका उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को चप्पल उपलब्ध कराई जाएगी, और साथ ही साथ हम थोड़ा जान लेते हैं मध्य प्रदेश ने और भी क्या योजनाएं शुरू करी हैं। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। इसमें त्रिकोण चूर्ण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जीवन शक्ति योजना शुरू की है, जिसमें महिलाएं मास्क बनाकर सरकार को बेच सकेंगी। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए शुरू किया है। संकल्प योजना उमरिया ज़िले से शुरू की है बुज़ुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और शिवराज सिंह चौहान ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप
कि डेटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है, आरोग्य सेतु ऐप को डेटा को कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 दिन तक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोज़ाना बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।